52 करोड़ रुपए के स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट की उड़ी धज्जियां, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के पानी की निकासी के लिए सागर स्मार्ट सिटी द्वारा 52 करोड़ रुपए खर्च कर स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत नाले नालियों का निर्माण किया गया था, ताकि जल भराव की स्थिति न बने। लेकिन शहर में एक रात की बारिश में ही स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई। जब शहर के मुख्य बाजारों, रहवासियों कॉलोनियों में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। मानसून के आने के पूर्व नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस बार बारिश में जलभराव रोकने तथा बेहतर प्रबंधन के तमाम दावे किए थे। शहर में मानसून पूर्व की तैयारियों को लेकर आए दिन बैठकों का दौर चला। व्यवस्था सुधारने के तमाम दावे निराधार साबित हुए और पहली तेज बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी। नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि इस बारिश में शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन कल शाम से शुरू हुई बारिश में सभी दावे फेल हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में और गलियों में किस तरह से पानी भरा है। सबसे ज्यादा जलभराव तिली क्षेत्र के तिरुप्तिपुरम, रविदास वार्ड, तुलसी नगर वार्ड, कटरा बाजार सहित शहर के कई क्षेत्रों में हुआ। जलभराव होने का एक बड़ा कारण नालों की साफ सफाई न होना भी है। नगर निगम ने पिछले दिनों बड़े नालों की सफाई की थी, लेकिन कई नाले अभी भी बाकी है जो अभी निगम की पहुंच से दूर है। सागर शहर में सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह तक सागर में 142.8 मिमी बारिश हो चुकी है। सीजन की औसत बारिश अभी 32.8% हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में अभी 24.8% कम है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर जारी रहेगा। प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।